मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड मेट ऑफ फॉरमिंग शिप एंड टैटू अप्रेंटिस एट कोयल बकेर स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूँ आपका सलाहकार हिंदी में। आज का विषय, आप प्री सी ट्रेनिंग कर चुके हैं और अब COC सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। कहाँ से दीजिए, भारत से या विदेश से? सबसे पहली बात, पैसा। भारत में पैसा बहुत कम लगता है, यदि आप विदेश जाते हैं पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा कितना कम, भारत में सारे खर्चे मिला के कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा, 1 लाख या कुछ ज़्यादा या कुछ कम। यदि आप विदेश जाते हैं खर्चा आप लगा के चलें 10 लाख या 12 या 15, ये निर्भर करेगा कौन से देश से आप एग्जाम्स दे रहे हैं, ये आपको नज़र में रखना होगा। इसके बाद कठिनाई, भारत में सबसे कठिन परीक्षाएं होती हैं, सबसे कठिन। किंतु आप विदेश जाते हैं तो अधिकतर लोग पहली बार में ही उत्तीर्ण हो जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास अधिकतर, नहीं तो सेकंड में तो हो ही जाते हैं। भारत में बहुत कठिनाई होती है, आप मुझे ही ले लें। मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा बेकार नहीं हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। यदि आप देखें तो आपको नज़र आते हैं 8 के आंकड़े। इससे आप समझते हैं कि मैं ज़्यादा ख़राब पढ़ाई में नहीं होऊंगा, और ऐसा है। अब जब बात हुई सेकंड मेट्स की, अब मुझे कितनी कठिनाई हुई, कितनी बार मुझे फेल होना पड़ा, 5 बार। ये देखिए मेरी EXN शीट, आप अगर देखें तो मेरे 6 अटेम्प्ट्स हैं टोटल, 6 बार मुझे देना पड़ा, उसमें से 5 बार मैं फेल। सबसे कठिन होते हैं ओरल एग्जाम्स, मौखिक परीक्षाएं। पता नहीं कैसा सर्वेयर मिल जाए और किस प्रकार से वो चीज़ों को उड़ा ले। सबसे ज़्यादा कठिनाई इसी चीज़ में आती है। रिटन भी कोई आसान नहीं होते, मैं आपको मार्कशीट दिखाता हूँ रिटन और ओरल दोनों की। देखिए अभी आपने मेरी 10वीं और 12वीं की देखी थी, अब देखिए मेरे सेकंड मेट्स की, देखिए क्या दशा है। इसे तो दशा भी नहीं कहना चाहिए, दुर्दशा है। ये फर्क पड़ जाता है विदेश और भारत में। बाकी पढ़ाई, नॉलेज, ये लिखित वाली एग्जाम्स वाली नॉलेज और जो प्रैक्टिकल आप शिप पे करते हैं, बहुत अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है। तीसरी चीज़, वैल्यू, कीमत। किसकी ज़्यादा कीमत है, इंडियन COC की या कोई दूसरे देश की? देखिए नंबर 1 सबसे ऊपर कौन सी COC है, भारतीय, इंडियन COC की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। मेरे एक मित्र हैं जो कि बांग्लादेशी हैं, उन्होंने अभी अभी चीफ मेट्स के COC निकाली है। कहाँ से? भारत से, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है और आज वो अच्छी कंपनी में है। अगर आप अच्छी कंपनी में जाना चाहें तो इन कंपनी के अपने उसूल होते हैं, उसमें से एक चीज़ होती है, वो देखते हैं आपकी COC कौन से देश की है। अच्छी कंपनी चाहेंगी आपकी COC भारतीय को, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब यदि आपने विचार बना लिया है कि ये सारी चीज़ें देखकर भी आप विदेश से ही करना चाहेंगे, क्योंकि कठिनाई इतनी होती है पास होने में, और इसके दौरान जो साथ विसाद और जो समय खराब हो रहा है, आप देखें आप पेपर ही नहीं दे रहे, आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे, आपका समय लग रहा है। यही समय अगर जहाज पे लग जाता तो आपकी वो कमाई होती रहती। तो ये सब चीज़ें सोचकर अगर आप सोच रहे हैं कि विदेश ही करें, कौन से देश से करना चाहिए? यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2 पे कौन सी COC है? यूनाइटेड किंगडम। किंतु अगर आप UK जाएं और वहाँ से पूछें तो वो लोग कहेंगे नहीं, UK की COC नंबर 1 है, इंडियन COC नंबर 2, वो ऐसा कहते हैं। तो अगर आपको बाहर जाना है आप UK से कोर्स करें, और अब बहुत सारे कोर्सेज UK के भारत में भी शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि कुछ कोर्सेज आप भारत में ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पैसे आपके बच जाएंगे, वो कोर्सेज करके फिर आप UK जा सकते हैं। UK अगर ना जा पाएं किसी कारणवश तो और दूसरे
क्या चुनाव आप ले सकते हैं, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये सारे देश वाइट फ्लैग हैं, ये इनकी COC अगर आप लेते हैं तो ये वाइट है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। और अगर भारत से ही करना है तो इसमें भी आप ज़्यादा चिंता ना करें। देखिए, मैंने भारत से किया, मेरे अपने कारण थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इसलिए भारत से किया। और दूसरा, मेरा ये भी मन था कि इंडियन COC नंबर वन पे है तो मैं यहाँ से ही कोशिश करूँ। अब इतना समय लग गया, अब मेरी CV भी ख़राब हो गई। एंग्लो ईस्टर्न की अपने उसूल हैं। एंग्लो ईस्टर्न कहते हैं कि यदि आप 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा लगाते हैं तो वो आपको नहीं लेते हैं। मैं यूनिवैन कैडेट हूँ। आप में से बहुत सारे जानना चाहते हैं मैंने कैडेटशिप कहाँ से की है। मैं यूनिवैन से कैडेटशिप की है। यूनिवैन मर्ज हो गई थी एंग्लो ईस्टर्न में, तो जो यूनिवैन के कैडेट्स थे उनको एंग्लो ईस्टर्न लेने लग गई थी। लेकिन आपने देखा मैंने कितने अटेम्प्ट्स लिए हैं, इसके कारण उन्होंने मुझे थर्ड ऑफिसर में लिया ही नहीं। तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग उसूल हैं। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने उनके उसूल सख्त होंगे, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और सख्त होंगे। वो और निखार चाहते हैं अपने बच्चों से, अपने कैंडिडेट से। ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी है। और अगर भारत से ही करना है तो करें। याद रखें, वैल्यू अच्छी है, वैल्यू बहुत है इंडियन COC की। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं, अच्छी कंपनी में नहीं भी जा पाते, तो चिंता ना करें, आप अपना तजुर्बा बढ़ाएं। तजुर्बा आप बढ़ाते हैं, अपना कौशल बढ़ाते हैं। और नॉलेज सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली चीज़ है। आप जानकारी बढ़ाते जाइए, आपको एक ना एक दिन अच्छी कंपनी ज़रूर मिल जाएगी। अब देखिए, इतनी बार फेल होने का अपना मज़ा है। अब मेरे पास जानकारी का इतना संचय हो गया है कि मैं 2 मैरीटाइम अकेडमी में पढ़ाता भी था बच्चों को, और मैं अभी भी ऑनलाइन डाउट सेशन ले रहा हूँ शाम के समय। जो भी बच्चे ओरल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो मुझे संपर्क करते हैं व्हाट्सएप पे, और वीडियो कॉल पे मैं उनकी ऑनलाइन जितने भी उनके डाउट्स हैं, संदेह, शक, प्रश्न, उत्तर सब उनके मैं दे रहा हूँ। तो ये आपको निर्णय लेना होगा कि आप दोनों में से क्या करना चाहते हैं। यदि भारत से ही करना है, जब आप भारत से कर रहे हो, आपने ध्यान रखना है कि कौन से राज्य को चुना जाए, कौन से स्टेट से किया जाए। दिल्ली से करें, चेन्नई से करें, मुंबई से करें, कहाँ से करें, आप पहले पता लगा के रखें सबसे आसान कहाँ चल रहा है। अब भारत में भी ऐसा होता है, हर स्टेट में मुश्किल नहीं है। किसी स्टेट में मुश्किल है, किसी स्टेट में बहुत मुश्किल है। मेरे समय में दिल्ली में सबसे मुश्किल था, सबसे कठिन दिल्ली में था, क्योंकि वहाँ के सर्वेयर्स ऐसे ऐसे थे जो टेढ़े हो जाते थे, जो ऐसे एक ही प्रश्न पे फंसा देते थे। भारत के सर्वेयर्स भी विचित्र हैं, वो अपने ही नीच में चले जाते हैं, अपने ही। एक कोई सर्वेयर है वो एक्डिस के अंदर ही घुस जाता है, बिल्कुल डूब ही जाता है और प्रश्न ही नहीं पूछेगा। दूसरा एक है वो सिर्फ ROR के ट्रैफिक भी नहीं, ROR के एग्जेम्पशंस का सेक्शन आपने पढ़ा है, वो एग्जेम्पशंस में ही घुस जाएगा, वो सिर्फ वही बातें पूछेगा। तो ऐसे प्राणी आपको भारत में मिलते हैं जो आपको ओरल्स में बाधा डालते हैं। आपको पता करना होगा भारत से अगर दे रहे हैं, कौन से राज्य से दिया जाए, कौन से स्टेट से दिया जाए, किस स्टेट में अच्छे वाले सर्वेयर्स चल रहे हैं, किस स्टेट में मुश्किल है, ये आप पता लगाएं। अब मैं दिल्ली में था क्योंकि दिल्ली मेरे सबसे नज़दीक था, तो मैं दिल्ली से अपने ओरल्स दे रहा था। अब दिल्ली से देते देते समझ आया कि यहाँ के तो सर्वेयर्स अच्छे नहीं हैं, और पता लगाया इस समय आसान सर्वेयर्स कहाँ हैं। आसान सर्वेयर्स उस समय चल रहे थे गुजरात में, लेकिन गुजरात में सीट्स सारी बुक थी, गुजरात में फाइल ट्रांसफ़र ही नहीं करा पाए क्योंकि सीट्स बुकिंग थी। कम से कम 7-8 महीने रुकना पड़ता अगर वहाँ पे मुझे जाना हो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पता लगाया गुजरात के बाद और कौन सी जगह है जहाँ आसान चल रहे हैं। मुंबई, उस समय मुंबई में चल रहे थे आसान, और आज से 6-7 साल पहले मुंबई में सबसे कठिन चल रहे थे। मैंने पता लगाया मुंबई में आसान है, मुंबई में मैं गया और मैं पास हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉलेज तो आप बढ़ाते रहें, साथ में ये पता लगाएं, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यही है सूत्र। आप पता लगाएं कहाँ पे आसान चल रहा है।
अपने दोस्तों से, मित्रों से। मर्चेंट नेवी में तो वैसे ही अगर आपको कुछ दोस्ती के लिए चाहिए नहीं, अगर वो मर्चेंट नेवी में है तो आप बात शुरू कर सकते हैं, सारी जानकारी उससे ले सकते हैं। इसके सिवा आपके मन में कोई सवाल, कोई संदेह, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में मुझे बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे सारे संपर्क डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कोई भी आपको संदेह हो मुझसे पूछें, मैं ऑनलाइन डाउट सेशन भी ले रहा हूँ शाम को। और आप में से बहुत सारे मुझसे ये प्रश्न कह रहे थे कि आप ओवरवेट हैं, आपका BMI अनुकूल नहीं है और कंपनीज ने आपको टाइम दे रखा है कि इतने टाइम के अंदर अपना BMI सही कीजिए तो ही वो आपको लेंगे। तो फिटनेस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें, अगर पतले जल्दी होना है, इसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी कमेंट्स में या मेरे बाकी सोशल मीडिया पे। और प्रातःकाल में मैं फिटनेस ट्रेनिंग क्लासेस भी ले रहा हूँ। मेरा नाम है सौरभ भट्ट। आउट।